किसी ने क्या खूब कहा है, किसी मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाचालता से होती है और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी अकबर बीरबल आधारित है। आज के उनके इस प्रसंग से हम जानेंगे कि मूर्ख कितने प्रकार के होते हैं और मूर्ख किसे कहते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मूर्ख के प्रकार। एक बार बादशाह अपने राजमहल में गए। बादशाह की सबसे प्यारी बेगम उस समय अपनी किसी सखी से बातें कर रही थी। बादशाह अचानक जाकर खड़े हो गए और वह बेगम और उसकी सहेली की बातें वहीं खड़े होकर सुनने लगे। बेगम और उनकी सहेली किसी को भी बादशाह के आने की खबर नहीं हुई, लेकिन एक सेविका ने बादशाह को सलाम किया और कक्ष में आने का न्योता दिया। तब बेगम और उनकी सहेली को बादशाह के आने का पता चला। बेगम उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, आइए मूर्खराज। अपनी सबसे प्यारी बेगम के मुख से अपने लिए मूर्खराज सुनकर बादशाह को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बादशाह को बहुत बुरा लगा। बेगम ने इससे पहले कभी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बुद्धिमती हैं, वे बिना कारण के ऐसी बात नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी बादशाह इस बात को लेकर गहन सोच में पड़ गए कि आज उन्हें बेगम ने मूर्खराज कह दिया क्यों संबोधित किया। यह तो एक बादशाह के लिए अपमानजनक है। लेकिन बादशाह यह नहीं जान सके कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर वहां रहकर वे अपने कमरे में चले गए। बादशाह उदास बैठे थे, उसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने बीरबल को कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल ने भी बादशाह की बात का जवाब दिया और हंसकर बोले, जी मूर्खराज जी। बादशाह ने अब बीरबल के मुख से अपने लिए मूर्खराज सुना तो बादशाह बीरबल को आंख चढ़ाकर कहने लगे, बीरबल तुम मुझे मूर्खराज क्यों कहते हो? यह मेरा अपमान है। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आप क्रोधित क्यों होते हैं? मेरी बात सुनिए, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। यदि दो व्यक्ति अकेले में बातें कर रहे हों और वहां कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए जा खड़ा हो तो उसे मूर्ख कहा जाता है। दूसरा चीज, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हों और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पड़कर उनकी बात पूरी हुए बिना बोलने लगे तो वह भी मूर्ख कहा जाता है। कोई अपने से कुछ कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख माना जाता है। जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख का है। इसी प्रकार जो मूर्ख के पास जाए और मूर्खों का संग करे वह भी मूर्ख है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, मूर्ख कितने प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में पता चला। इन बातों को स्मरण कर रख लेना चाहिए, कभी ऐसी कोई भूल हमसे भी ना हो कि लोग हमें भी मूर्खराज कह सके, अपने को कोई मूर्ख ना कह सके ना बना सके। इसके लिए दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।